भारत भर में महिला अत्याचार पर निर्बंध लगाने वाले कानून तथा महिला आरक्षण के कानून जारी किए गए हैं, जिससे महिलाओं के होने वाले अत्याचार रुक सके। लेकिन आज भी कौटुंबिक हिंसा दिन बे दिन बढ़ती जा रही है। जब मैंने हिना का वीडियो बनाया तो हिना घरगुती हिंसाचार के ऊपर ये वीडियो था। तो जब से शादी हो गई बहुत दिन से मार रहे ऐसा लगातार चालू छे मारना तोड़ना। व्यक्तिमत्व पाहता हे माझ्या मुलीला नांदू शकत नाही, कारण का की जी थुरली जी सून आहे, थुरली सुनाजवळ भरपूर त्यांना मिळालेलं डाग डागिना पैसा पाणी सगळं मिळालं। महत्वाचं म्हणजे असे की मी अपंग आहे आणि एकटाच कमावणार आहे। आज चार मुली, एक मुलगा, त्यांचं शिक्षण आहे, आमकं इथं जेव्हा मोल मजुरी करतो तेव्हा मी कमवून आणला जातो। मेरे बच्चन को मैं बहुत परेशान में संभाली, इनके हर ख्वाहिश पूरी करी मैंने। भाई 2 साल में मेरी बेटी को कपड़ा लत्ता हर चीज से पुराई, हर चीज से लेके गई कि नहीं संभालेंगी मेरे बच्चन को, लोग ने नहीं कुछ करते हैं भी वही करी। मैंने लोगों को कहने से कर्जा मांग के लिए क्या नहीं वो करके मेरे बच्चे का मैंने करके दी, कि क्या वजह से करके दी कि मेरा बच्चा अच्छा रहेगा, हर अरमान उनकी पूरी करी मैंने और मेरा बच्चा उन लोग नंदा थे भी। पुलिस चौकी में जाने के बाद में अंदर हम लोग, उन लोगों ने बुलाए, बुलाने के बाद में उन लोगों ने पूछे क्या मामला है, तो मैंने उनको सही सही हकीकत बता दिया। बताने के बाद में उन्होंने शाकिर उसका जो मर्द है उसको बुला के लिए फोन पे लेने के बाद में पूछे उसको क्या भगदड़ है क्या नहीं क्या ऐसा। तो उन लोगों ने क्या करके उसके लागे बांधे रहने की वजह से, क्योंकि वहाँ गुंडा प्रवृत्ति का आदमी रहने की वजह से उसको चाय पिला, आम का पिला, तब का हंस खेल के वो लोग पुलिस लोग बात कर रहे थे उससे। और हम लोग को बोले तुम एक काम करो, बोले लड़की लेके जाओ, बोले हम समझौता करके उसको समझाते। बोले उसने मेरी लड़की को दम दिया क्या, बोले देख, बोले तू अभी पुलिस चौकी तक आई ना, तो बोले अभी दोबारा कभी घर पे आएंगी तो तेरा खून हो जाएगा, इतनी बात ख्याल रख। हिना के मायके में हिना रहती थी तो अड़ोस पड़ोस के जो समुदाय है, समाज है, उसके बोलता था कि तुम क्यों आए हो, इतने दिन से मायके में रह रहे हो। हिना के भोर गांव में गए और उधर जाके हमने निर्भया का वीडियो स्क्रीनिंग किया, सब महिलाओं को इकट्ठा किया और वीडियो दिखाया कि देखो महिलाओं के साथ ऐसा होता है। और वो वीडियो देख के सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ वो हिना के ऊपर हुआ, जो हिना 2 साल से मार पीट सह रही थी, वो खुद बोली कि नहीं अभी हम उसके ऊपर केस दाखिल करेंगे। और मैंने SP को ईमेल भेजा कि ऐसा ऐसा हो रहा है केस में और FIR नहीं ले जा रही है, तो ईमेल भेज के फिर SP से मंगलवार पुलिस चौकी में कॉल आया, तब उन लोगों ने हमें बुला लिया। शकीर ने पुलिस के सामने नोटरी करके दी कि अभी से हिना को कुछ तकलीफ नहीं होगी, उसे मारपीट नहीं होगी। शकीर ने बोला मैं लेके 4 महीने तक मेरे को टाइम दो, 4 महीने के बाद में लेके जाऊंगा इधर से, अलग लेके रहूंगा। वो माननीय साहेबांनी पण आम्हाला भरपूर सहकार्य केलं आणि माननीय रोहिणी मॅडम यांनी, तो मैं इसके लिए SP को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने जल्दी ये एक्शन लिया। और हिना के प्रोसेस में हमने कंफ्यूजन हो रहा था मेरा कि क्या करो, तो इसके लिए मैंने जो पत्रकार है सब उनको बुला के एक मीटिंग किया पत्रकारों के साथ कि हम ये केस कैसे हैंडल कर सकते हैं, आप मेरा क्या सपोर्ट दे सकते हो। तो इसमें मुझे जो सकाल के पत्रकार है किशोर कुदरे, उन्होंने भी मदद की, उन्होंने आर्टिकल छापने को कहा कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। जिसने भी मेरी मदद की उन सबको थैंक्स बोलना चाहूँगी। मैं रोहिणी महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले से, इंडिया अनहड़ के लिए।